4919 पोस्ट में क्या था कि रेगुलर पोस्ट जो था 3799 और बैकलॉग जो पोस्ट था 1120 था। अब बैकलॉग के बारे में जान लेते, थोड़ा सा रेगुलर के बारे में जान लेते हैं। बैकलॉग वो होता है कि जो पिछली भर्ती में अगर नहीं होते हैं बच्चे और सीट खाली रह जाती है, उसे हम बैकलॉग में आते हैं। और रेगुलर की बात करते हैं, जो अब नई वैकेंसी में जो सीट मिलती है उसे हम रेगुलर की बात करते हैं, रेगुलर कहते हैं। अब यहाँ पे टोटल पोस्ट हम जानिए 4919 पोस्ट है झारखंड पुलिस की। अब झारखंड पुलिस की कांस्टेबल की जो एज लिमिटेशन है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक है। 18 वर्ष से 25 तक के उम्मीदवार अगर आप हैं, अगर आपकी 18 से 25 के बीच में अंग्रेज है, आप इतने साल की उम्र के हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है झारखंड पुलिस में जाने के लिए। झारखंड पुलिस में जाने के लिए एक सुनहरा मौका आपके पास है अगर आपकी एज जो है 18 से 25 वर्ष है। एलिजिबिलिटीज में सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल लाना है। अगर आपके पास हाई स्कूल से अधिक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका हाई स्कूल है तो आप इसमें एलिजिबल है भरने के लिए। बात सबसे बड़ी हाइट की, हाइट जो मांगा है मेल के लिए, केवल मेल के लिए जो हाइट मांगा है 1.60 और फीमेल है अगर आप तो उनका 1.48 सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए, इस झारखंड पुलिस में चेस्ट सिर्फ मेल के लिए, लेकिन फीमेल के लिए नहीं है। फीमेल के लिए चेस्ट नहीं है, ओनली मेल के लिए। रनिंग जो पॉइंट है 10 किलोमीटर होगा, जो 60 मिनट दिया जाएगा हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे को, जो मेल के लिए होगा। लेकिन फीमेल के लिए, फीमेल के लिए 5 किलोमीटर की जो रेस होगा, रनिंग होगा, उसमें 30 मिनट दी जाएगी हर एक फीमेल को। अब बात करते हैं सबसे बड़ा बिग अपडेट क्या है कि जो फिजिकल होने वाला मूवमेंट, सबसे बड़ी बात है, बिग अपडेट जो आया है फिजिकल को लेकर के, कि झारखंड पुलिस का फिजिकल अब कैसे होगा। पहले झारखंड पुलिस के किसी भी डिपार्टमेंट का जो फिजिकल होता था ना, पहले फील्ड में, ग्राउंड में होता था। अब ग्राउंड में सर्कल करते 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 बच्चे क्या होता था, ग्राउंड वो भूल जाते थे कितने चक्कर हुए, और उसमें लगता था एक माइक्रोचिप। अब वो चिप क्या होता था कि बहुत लो क्वालिटी का, उतना हाई क्वालिटी का चिप नहीं था। तो पहले जो पैरों में लगाते थे बच्चों को चिप के लिए, और चिप लगा करके बच्चों को गोल गोल रनिंग जो कराते थे, उसमें क्या होता था, एक बटन आते थे, वो बटन ऑटोमेटिक जब दब जाती थी तो बच्चे का टाइमिंग स्टार्ट हो जाता था और पता चला कि बच्चा भी बैठा मैदान में। इस तरह से बहुत ही डिस्टर्बेंस हो गया और बहुत सारे बच्चों का दौड़ निकल के भी नहीं निकल पाया। अब बात करते हैं सुपर माइक्रोचिप की। सुपर माइक्रोचिप सेंसर के साथ था, आप जितना किलोमीटर का रेंज जिसमें एक बार फिक्स करेंगे, उतने ही किलोमीटर की रेंज और टाइमिंग में एक बार आपको करेक्ट करेगा। अब अपने हिसाब से सुपर माइक्रो सेंसर जो वाला जो चिप है, इस चिप से भी चिप को लगा करके ही भर्ती होगी। अब रनिंग प्लेस में क्या किया है कि गोल गोल राउंडिंग ना करके अब लंबा रूट कर दिया। एक लंबी रूट पे आपकी रनिंग होने वाली है, जो कि 5 किलोमीटर बाद जाना है, 5 किलोमीटर के बाद फिर से वापस आना है, या 5 किलोमीटर का एक सर्कल बना देगा पूरे गोल राउंड एरिया करके, रोडों को 2-4-5 रोड मिल करके एक राउंड एरिया बन जाएगा 5 और 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के। अब इसमें क्या होगा कि बीच में शॉर्टकट देकर के कोई बच्चा फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाता था, लेकिन फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचे या ना पहुंचे उससे मतलब नहीं है। बच्चा जहां से स्टार्ट करेगा वहीं से सुपर माइक्रो सेंसर वाला जो चिप है वहीं से सेंस करेगा, और उसको फिनिशिंग पॉइंट का लोकेशन, एरिया, सब कुछ उसमें पहले से सेंस रहेगा। अब बच्चा जैसे जैसे जाएगा, उसका एरिया, उसका रोड, और रोड पे भी बहुत सारे सेंसर्स लगे होंगे जो सेंस करेगा कि इस रोड से बच्चा गया है कि नहीं। हर एक किलोमीटर पे एक सेंसर डिवाइस लगे होंगे जिसमें ये चेक करेगा कि कोई बच्चा आ रहा है, यानी कितने बच्चे गए हैं, उसमें सारे चिपों का डिटेल्स, सारे चीज, जितने भी चिप लगे हों सबका मैसेज, उस पर इंफॉर्मेशन पहुंचता रहेगा। तो इस तरह से 10 किलोमीटर की जो दौड़ होगी ना बाबू, 10-10 किलोमीटर की जो दौड़ होने वाली है, ये माइक्रो सुपर सेंस वाले चिप के साथ होगा। अब इसमें सबसे बड़ा बिग अपडेट आ गया कि 5 ऐसे जिले, 5 मुख्य जिले जिसमें ये फिजिकल होने वाली है। पहला है रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा बोकारो, और चौथा है पश्चिमी सिंहभूम, और पांचवा है गिरिधीह। इन 5 मुख्य जिलों में ही आपकी फिजिकल होने वाली है। तो झारखंड पुलिस के लिए बिग अपडेट बता दें कि इन 5 जिलों में ही फिजिकल होने वाली है। अब ये फिजिकल मूवमेंट आएगा कब, हाल ही में पांच मार्च को ये नोटिस जारी हुआ था, लेकिन अब बताया जा रहा था कि मार्च के लास्ट में, यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक में किसी भी समय पे ये एग्जाम, यानी जो फिजिकल है, हो सकता था। लेकिन अब ऐसा बात नहीं, अब चुनाव प्रक्रिया की वजह से झारखंड पुलिस ने, यानी झारखंड की जो सरकार है,
झारखंड पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 2024 की उसको एक नया दिशा दे दिया। अब बताया ये जा रहा है कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो भर्ती है वैकेंसी है इसको अब चुनाव प्रक्रिया बीतने के बाद चुनाव होने के बाद जो नई सरकार बनेगी उस सरकार के आदेश पे और उस सरकार के देखरेख में इस भर्ती को होगी। यानी सेंस दो प्रकार की हो जा रही है कि ये तो पहली बात कि चुनाव से पहले नोटिस आया लेकिन चुनाव के बाद होगा फिस्कल आपका झारखंड का। अब झारखंड में दूसरा बड़ा बिग अपडेट देख लेते हैं कि अब जो बैकलॉग और रेगुलर जो है उसके हिसाब से की जा रही है भर्ती वैकेंसी। यानी पहले क्या होगा, पहले बैकलॉग को होगा क्लियर, उसके बाद होगा रेगुलर वालों का क्लियर। और दूसरी बात, सबसे पॉइंट वाली बात देखना है कि अगर आप 10 किलोमीटर का रेस यानी दौड़ बना रहे हैं, अगर आप 10 किलोमीटर का रेस बनाना चाहते हैं तो आपको डेली टू डेली 12 किलोमीटर दौड़ना ही पड़ेगा। 12 किलोमीटर अगर 11 किलोमीटर अगर आप दौड़ते हैं प्रतिदिन तो आपके स्टेमिना कम से कम 80 मिनट या 70 मिनट दौड़ने की होनी चाहिए, तब जा करके झारखंड पुलिस 10 किलोमीटर का दौड़ आपसे निकलेगा। इसमें बिग अपडेट, ऐसे ही बिग अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, अगर फिर से कोई ऐसी बिग अपडेट आते हैं तो आपको हम रखेंगे सबसे आगे। फिलहाल के लिए जानिए 5 मुख्य जिलों की जो बिग अपडेट आ चुके हैं वही पे होगा फिजिकल। झारखंड पुलिस रिक्वायरमेंट 2024 टोटल पोस्ट 4,919 में आपका भी सिलेक्शन हो जाए, मेरी शुभकामनाएं। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।